अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ अंडे का सालन मेथी डालकर। माशाल्लाह ये सालन बहुत अच्छा बनता है और ब्रेकफास्ट में झटपट आप बना सकते हैं। रोटी के साथ भी मज़ेदार दिखता है और राइस के साथ भी बहुत अच्छा दिखता और झटपट भी बन जाता है। चलिए जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं ली हूँ 3 बड़े साइज़ के मीडियम साइज़ के प्याज, इसको बारीक कट कर लें, और अंडे 5 लें, मेथी ये बड़े साइज़ के 2 बंचस है, और उसको वॉश करना है, वॉश नहीं करी। इसके लिए मैं एक पैन रख दिया और 3 टेबल स्पून ऑयल डाली। अब इसमें डालेंगे प्याज, 4 से 5 मिनट इसको तेज फ्लेम पे पकाएंगे। इसमें डाल रहे हैं 2 टीस्पून अदरक लहसुन और 2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, लाल मिर्ची लास्ट में डालेंगे, जल्दी डाल दे तो जल जाते। अब 4-5 मिनट इसको तेज फ्लेम पे पका लेंगे। 4 से 5 मिनट मैं इसको तेज फ्लेम पे पका ली और फ्लेम को अब धीमा कर देंगे। फ्लेम को धीमा कर देके धीमे फ्लेम पे 5 मिनट के लिए ढाक देंगे। 5 मिनट तक मैं धीमे फ्लेम पे रखी और ढक्कन निकाल के फ्लेम को तेज कर दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, ये सॉफ्ट हो गई और गल भी रही बगैर पानी डालने के। प्याज में कुछ पानी रहता है उससे गल जाती प्याज। और 1 टीस्पून डालेंगे इसको नमक, सॉरी मिर्ची। मिर्ची डालने के बाद फ्लेम को तेज़ रखना और कुछ सेकेंडों के लिए इसको फ्राई कर लेंगे मिर्ची को। कुछ सेकेंडों में ये फ्राई हो जाए, कुछ 30 सेकेंड के अंदर ही ये फ्राई होगी मिर्ची तेज़ फ्लेम पर। अब इसमें एक 1/2 कप पानी डालेंगे और मैं इसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं करूँ, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हो। अब पानी में उबाल आने के बाद इसमें अंडे डालेंगे। पानी में अच्छे से उबाल आ गया, अब इसमें अंडे डालेंगे। अंडे डाल दिए, अंडे डालने के बाद 1-2 मिनट के लिए तेज फ्लेम पर ढाप देंगे इसको। 1-2 मिनट के लिए मैं ढापी और फ्लेम को तेज रखते हैं, फ्लेम को धीमा कर देंगे। फ्लेम को धीमा करने के बाद इसके ऊपर मेथी डालेंगे। मेथी डाल दी और फ्लेम को धीमा कर दी। अगर आप पानी कम लग रहा तो अब थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हैं पानी, और 3 से 4 मिर्चियों को स्लिट करके डाल देंगे। अब इसको 5 मिनट के लिए धीमे फ्लेम पर ढाक के छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद चेक करेंगे। 5 मिनट तक मैं धीमे फ्लेम पर छोड़ दी, 5 मिनट हो गया और मेथी भी अच्छे से पक गई और पानी जो था सूख गया। अगर आपका पानी आप बना रहे पानी नहीं सूखा तो थोड़ा टाइम बढ़ा ले सकते हैं। चलिए इसको डिश में निकालेंगे। ओके, चाहे तो आप साबित अंडे भी निकाल के ऐसा रख सकते हैं, अगर चाहे तो इसको पीसेस भी कर सकते हैं। इसको सुबह में गरम गरम रोटियों के साथ झटपट आप बना सकते, और मेथी डाल के बनाने से इसका फ्लेवर बहुत टेस्टी भी रहता, और हेल्थ के लिए मेथी बहुत अच्छी चीज़ है, इसका इस्तेमाल करते रहना। अंडों के रोटी के साथ, राइस के साथ आप इसको बना सकते, और टिफ़िन बॉक्स में भी आप इसको दे सकते। और जो प्याज फ्राई करे थे वो उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा था। चाहे तो आप इसको छोटे साइज पीसेस में भी कट कर सकते हैं। चलिए अंडे के सालन की मेरी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।